रिक्शा ड्राइवर की खूब दुर्गत बना दी। अहलकारों ने रिक्शे वाले की सीट छीन ली और ड्राइवर मिनते करता रहा, वार्डन्स मारते रहे। आप फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लाहौर के अपर माल पर यह वाकया पेश आया। ट्रैफिक वार्डन्स ने एक रिक्शा ड्राइवर की दुर्गत बना दी और आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह इस पर थप्पड़ों की बारिश की गई। अहलकारों ने रिक्शे वाले की सीट छीन ली, ड्राइवर मिन्नतें करता रहा लेकिन वार्डन्स ने उसकी एक ना सुनी और मुसल सर उसे मारते पीटते रहे। तो अफसोसनाक वाकया लाहौर के अपर माल पर पेश आया है, जहां पर ट्रैफिक वार्डन्स जल्लाद बन गए और रिक्शा ड्राइवर की दुर्गत बना दी। अहलकारों ने रिक्शा वाले की सीट तक छीन ली और उस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश करते रहे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, क्या वजूहात सामने आई, क्यों मारा पीटा गया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये कुर्बान लाइन पुलिस लाइन जो कुर्बान लाइन है अपर माल पे, उसके सामने ये वाकया पेश आया और गुज़िश्ता रोज ये वाकया पेश आया जिसमें रिक्शा ड्राइवर ने सर्विस टोल के ऊपर अपना रिक्शा खड़ा कर रखा था, जिसपे ट्रैफिक वार्डन ने उसको हटाने का कहा और उसने रिक्शा अपना जब ना हटाया तो उसकी जो रिक्शा की सीट है वो निकाल ली गई और इसी वजह से ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर उस्मान के दरमियान सड़क कलामी का भी वाकया पेश आया और उसके बाद ट्रैफिक वार्डन ने उसको वैश्याना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ों की बारिश की और इसके साथ साथ वायरलेस सेट जो एक जो डिवाइस है ट्रैफिक वार्डन के लिए उसको उसके सर के ऊपर दे मारा, जिससे उसको शदीद चोटें भी आई हैं और ट्रैफिक वार्डन ने इस वक्त पुलिस के आला अफसरान जो हैं उनको भी दरख्वास्त की है कि इन ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए, किसी वायलेशन के ऊपर तशद्दुद किया जाए, सिर्फ उसका चालान किया जा सकता था, जबकि ट्रैफिक वार्डन ने कानून को हाथ में लिया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ उसको वायलेस सेट जो था वो भी अपना रूल वायलेट किया जाता है तो चालान काटा जाता है। मारा पीटा जाना ये तो जंगल का कानून है। जी बिल्कुल, ये किसी कानून के अंदर शिक मौजूद नहीं है कि किसी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा सके, कोई मुजरिम भी हो तो उसको भी कानून के मुताबिक तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी वायलेशन जो सड़क के जो सर्विस रोड है वहाँ पे रिक्शा खड़ा करना और रिक्शे की फुटेज भी आप देख सकते हैं कि रिक्शा सर्विस रोड के ऊपर खड़ा है और उससे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है रिक्शा ड्राइवर को और वायरलेस सेट भी उसके सर पे मारा। पुलिस की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उसकी दरख्वास्त जो है उसने आज दरख्वास्त आई है और रूटीन के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अभी तक कोई उसके ऊपर पुलिस अफसरान की जानिब से भी एक्शन नहीं लिया गया। इरफान मलिक, कितने वार्डन्स यहाँ पर मौजूद थे जो इस अमल में जो है मुलव्वस हैं और क्या इनके खिलाफ अब कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई इकदाम किया गया है? जी अभी तक तो कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया और नाजायज फायदा उठाने के साथ शहरी को तशद्दुद का भी निशाना बनाया, तो ये दोनों चीजें हैं जो इसके ऊपर ट्रैफिक वार्डन के ऊपर आयद हो सकती हैं। उसको एक तो उसको मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है और उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जा सकती है कि उसने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जी ठीक है, इरफान साथ रहेगा। एक बार फिर नाज़रीन आपको बताएं कि लाहौर के अपर माल पर यह वाकया पेश आया है, जहां पर गलत पार्किंग करने पर तो चालान काटा जाता है मगर यहां पर ट्रैफिक वार्डन्स आपे से बाहर हो गए और इस गरीब रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना दिया और यही नहीं उसको घसीटते रहे सड़क पर, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश तक करते रहे। अहलकारों ने रिक्शे वाले से सीट तक छीन ली और ड्राइवर इस दौरान मिन्नतें करता रहा लेकिन सुनने वाला कोई मौजूद ना था। वार्डन्स मारते पीटते रहे, ड्राइवर मिन्नतें करता रहा और फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए।